ओडिशा के कंधमाल में पीएम मोदी विपक्ष पर जमकर बरसे। पीएम ने अपने संबोधन में क्या कुछ कहा, आपको सुना देते हैं। लिया है कि इस बार एनडीए 400 पार करने वाला है। भाजपा अपने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ करके ज्यादा से ज्यादा सांसद के साथ आने वाली है और कांग्रेस वाले ये भी लग ले कि इस चुनाव में कांग्रेस को लोकसभा की कुल संख्या के 10% चाहिए मान्य विपक्ष बनने के लिए। कांग्रेस वाले जरा कान खोल करके सुन लीजिए, ये देश ने तय किया है। ये 4 जून को आप देखेंगे कि कांग्रेस इस देश में मान्य विपक्ष भी नहीं बन पाएगा, वो 50 से नीचे सिमटने वाले हैं। कांग्रेस बार बार अपने ही देश को डराने की कोशिश करती है। वो कहते हैं संभल के चलो, पाकिस्तान के पास एटम बम है। ये मरे पड़े लोग ये देश के मन को भी मार रहे हैं जी। और कांग्रेस का हमेशा ऐसा ही रवैया है। ये जो पाकिस्तान के बम 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 की बातें करते हैं ना, आज तो पाकिस्तान का हालात ये है कि इन बम को संभालना कहां, वो भी उसके बस का रोग नहीं है। अब तो वो बम बेचने के लिए निकले हैं, कोई खरीदने वाला मिल जाए। और लोगों को मालूम है क्वालिटी में दम नहीं है, वो माल भी बिकता रही है। कांग्रेस के इसी कमजोर रवैये के कारण जम्मू कश्मीर के लोगों ने 60 साल तक आतंक भुगता है। देश ने कितने ही आतंकी हमले झेले, देश भूल नहीं सकता कि आतंकियों को सबक सिखाने के बजाय ये लोग आतंकी संगठनों के साथ बैठकें करते थे। 26/11 के मुंबई के भयंकर आतंकी हमले के बाद इन लोगों की हिम्मत नहीं पड़ी कि आतंक के सरपरस्तों को पर उन पर कार्रवाई करें। और क्यों? क्योंकि कांग्रेस को इंडी गठबंधन को लगता था कि अगर हम कार्रवाई करेंगे तो हमारा वोट बैंक नाराज हो जाएगा। कांग्रेस को 2 टुक कहूंगा, भारत का मुसलमान कांग्रेस की जो हरकतें हैं उन हरकतों से वो इधर उधर जाएगा तो मानने की कोशिश मत कीजिए। और भाइयों बहनों, ये कांग्रेस के शहजादे आए दिन बनायनबाजी ठोक रहे हैं। आप उनके 2014 के चुनाव के भाषण देख लीजिए, 2019 के चुनाव भाषण देख लीजिए और 2024 के चुनावी भाषण देख लीजिए। वो ही स्क्रिप्ट पढ़ते जा रहे हैं और अभी चैलेंज कर रहे हैं